हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सुहाने से मौसम के साथ। इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आप देख सकते हैं अभी हम लोग घर से आए हुए हैं बाहर थोड़ा काम से, और यहाँ पर ये ब्यूटीफुल से व्यू के साथ हमने देखा कि बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा था। तो हमने सोचा सबसे पहले हम यहाँ की शूटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं इस वाले पुल पे हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर इतना बढ़िया सा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इतना ग्रीन ग्रीन सा माहौल है, उसमें ये बहते हुए पानी और इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ अभी जैसा कि बारिश हो रही है तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ज़ोर शोर से पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। पहले जब हम इस साइड में आते थे तो यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था, मतलब सूखा था यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए देखते हैं तो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर इतना प्यारा सा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को किया साइड में और फटाफट से हमने यहाँ कर दी शूटिंग चालू। और आप देख सकते हैं ना कितना सुहाना सा मौसम है, जैसे लगता है ना इस मौसम में तो घूमने का अपना ही मज़ा है। वैसे तो आप घर में रहे हैं, बंद रहते हैं तो उतना ज़्यादा समझ नहीं आता है, बाहर जब आप निकलते देखते हैं ना तो खुला खुला सा माहौल आपको कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। फिर हम लोग एक दूसरे के साथ अपना थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किए। हमने इनको बोला था कि रास्ते में यहाँ पर ज़रूर हम शूट करेंगे। लास्ट टाइम भी जब हम यहाँ गए थे तो हमने ना यहाँ पर इनको बोला था, लेकिन फिर वो जल्दी में थे और उस बार जब हम आए थे ना तब धूप भी थी। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं थी और अच्छे से मौसम के साथ हमने यहाँ पर इनके साथ थोड़ा बहुत शूटिंग की। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा था ना यहाँ पर बैठे रहें काफ़ी टाइम। और खैर यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम हम रुके 10 से 15 मिनट और फिर उसके बाद में यहाँ से हम निकल गए अपने घर वापस जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एकदम आजकल क्या है ना एकदम ग्रीन ग्रीन सा माहौल है। जब आप बाहर निकलते हैं ना पेड़ वगैरह जो भी हैं सब एकदम हरे भरे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, और ऊपर से इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है दोनों साइडों में, खेतों में तो बिल्कुल जैसे लगता है ना ऐसे देखो तो बाढ़ आ गई है। यहाँ पर ये लोग बेचारे देखो अपना काम कर रहे हैं और हमसे तो कोई कहे इस खेत में चले जाओ तो हमें जाते ही डर लगे, लेकिन ये लोग देखो बेचारे अपनी फसल उगाने में लगे हुए हैं कितनी मेहनत से। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं, हमने ये वाला वीडियो से शूट किया कि देखो लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने काम को लेकर। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं अपना फतेहपुर और यहाँ पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा काम था, वहाँ से अपना काम ख़त्म करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे घर जाने के लिए, क्योंकि घर जाने के बाद फिर अपना वही काम शाम और वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस बहुत प्यारे से व्यू के साथ हम अपने घर जाते हैं और बाइक से इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए इनके साथ हम पहुँच जाते हैं फाइनली अपने घर। और घर पहुँचने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक और हम यहाँ पर अपना नकाब शकाब उतारते हैं और फिर उसके बाद में हमने खाना शाना बनाया। और आज हमारे खाने की हालत क्या हो गई, हमने बनाई थी अपने लिए तुराई की सब्ज़ी और उसमें बहुत सारा पानी था, उसको जलाने के चक्कर में हम आ गए अंदर बैठे और वहाँ पर हमारी सब्ज़ी जल जाती है। फिर यहाँ पर हम वहाँ गए थे तो वहाँ से अपने लिए स्लीपर लेकर आए थे, तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने सोचा कि वो वाला हमारे पास जो था वो वाइट कलर का था और वो ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उसको कितना भी आप धुले वो फिर वैसे ही गंदा हो जाता था। खैर मिलते हैं कल आपसे। अस्सलाम वालेकुम, तो मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ और सुबह हो गई है। तो आज हमको जाना था अपने रोशनी की तरफ, तो यहाँ पर फ़ौरन से हमने अपना सारा काम वाम ख़त्म कर लिया था और हमने सोचा कि जल्दी से हो जाते हैं रेडी। और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है आफ्टर नमाज़ सोचा था हम लोग चले जाएँगे, लेकिन उसके बाद में पता चलता है बारिश होने लगती है और बहुत सारे टाइम हमने इंतज़ार किया। उसके बाद में जब बारिश बंद हो जाती है फिर हम यहाँ से निकलते हैं और हम पहुँच गए थे अपने प्यारे से क्यूट से बच्चे के घर। यही था हमारा सरप्राइज और हम आ गए थे अपने मुराद के वहाँ। और यहाँ पर ये देखते ही हम लोग को इतना खुश हो गया था। और यहाँ पर नाश्ता वाश्ता चल रहा था, ये दोनों जनाब बैठे हैं और यहाँ पर ये हैं मुराद की दादी, मुराद की मम्मा और मुराद की खाला जान। यहाँ पर फिर मुराद ऊपर आने की ज़िद कर रहे थे तो फिर हम लोग आ जाते हैं ऊपर। और यहाँ पर देखें इनको नीचे मज़ा नहीं आ रहा था, इनको खुले खुले मौसम का लुत्फ़ उठाना था, तो ये हमारे साथ ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हम जिस घर में अभी बैठे हुए हैं ये मेरे मुराद का घर है और ये सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये देखें ये बिल्कुल घर के बीचों बीच में बनी हुई है।
और यहाँ पर ये है पूरा पोर्शन इनका, ये इधर वाला जिधर हम खड़े हैं और जिस वाली छत पर उतर रहे हैं ये वाला भी है, मतलब ये बहुत बड़ा सा इनका घर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग रहते हैं और इनको इतना मज़ा आता है ऊपर आके, बस इनका मतलब है इनको छोड़ दो और ये चारों तरफ भागते रहें। लेकिन जिस साइड में दीवार नहीं होती ना तो फिर डर लगता है बच्चे भागते हैं तो फिर ये होता ना कहीं गिर ना जाए। और यहाँ पर इनका टेंगे टेंगे अपना चालू था, ये जब से घर से आया है ये सीख कर आया है ना, तो बस इसको उतना ही चाहिए, मज़ा आता है इतना टेंगे टेंगे करने में, पता नहीं क्या है ये सारी चीज़ें। और इनको बस हमने बुलाया कि आओ चलो बैठते हैं इस पर, ये देख रहा है कि दीवार है ना तो भी फ़ौरन से आ जाता है बैठने के लिए यहाँ पर। अच्छा फिर ये हमारे साथ यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि खासकर हम अपने प्यारे से बच्चे से मिलने ही आए हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद में हम इनको बुला रहे थे आओ, तो ये आते नहीं थे जल्दी से, इनका मतलब था कि बस इनको घूमने को दे दो तो बस ये फ़ौरन से घूमते रहे। और ये हम लोगों ने फिर फ़ोटोशूट कराया मेरे से प्यारे से बच्चे के साथ, और उसके बाद में ये लोग आ जाते हैं नीचे से, तो ये यहाँ पर आमिर के घर का जायज़ा लेते हुए उनको तरकीब बताते हुए अपना आराम से बातें शातें इनकी चल रही थी यहाँ पर। बस ये मुराद चाहता ना कि इनको छोड़ दें, और इस वाली छत पे क्या है ना कि दीवारें उठी नहीं है साइड साइड में, तो फिर ना डर लगता है इसको छोड़ते हैं भागता इधर उधर। तो थोड़ी देर यहाँ पर घूमने के बाद फिर हम लोग अब जा रहे हैं नीचे, और नीचे मुराद से मिलने के लिए उनके बड़े पापा के बच्चे आए हुए हैं, तो चलते मिलाते हैं आपसे। मेरे मुराद के भाई बहन कौन है, कौन है, क्या नाम है तुम्हारा बताओ? आयशा। तुम्हारा क्या नाम है? अरीबा नाम है इनका। और तुम्हारा क्या नाम है? इसमें बताओ, तेज बोलो थोड़ा। इंशा नाम है इनका। और ये सब लोग किसके वहाँ रहते हैं? मुराद के वहाँ रहते हैं। किसके वहाँ रहते हो आप लोग? मुराद के वहाँ हैं। और मुराद कौन है? ये है मुराद, ये देखो मुराद को, ये देखो मुराद को है। कौन है? है मुराद। और ये मेरे मुराद का घर है, और ये इनके कजिन्स हैं, तो फिर ये इनके साथ मस्ती कर रहे हैं। इनको यहाँ पर इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बच्चे बच्चे मिलने आ जाते हैं, वरना फिर जब ये घर से आता है ना तो बहुत ज़्यादा घर को मिस करता है। वहाँ पर इतने सारे लोग हैं और इनको कोई ना कोई लेकर बाहर घुमाता रहता है, यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये अपने घर में अकेले हैं, तो इनको कौन इतना ज़्यादा घुमाएगा, क्योंकि इनके अब्बा और चाचा काम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत लेकर जाते हैं और दादों के साथ मस्ती करते हैं ये बस। और उसके बाद में फिर हम लोग चले जाते हैं मार्केट। यहाँ पर हमारा नोज पिन हमने पहन के रखी है, तो हमने सोचा कि चलते हैं नथ ले लेते हैं, हमको ये वाली चाहिए थी तो हम यहाँ पर देखने आ गए थे। और फिर उसके बाद में हमने सेलेक्ट की दो, और यहाँ से लेकर हम घर जाएंगे, घर से जाने के बाद फिर हमें जो सब लोग डिसाइड कर लेंगे वही वाली हम ले लेंगे। तो खैर यहाँ पर फिर हम इसको डन कर देते हैं, और ये वाली जो नोज पिन हमने पहन के रखी है यही वाली हमने वहाँ से ख़रीद ली थी, सबको यही वाली पसंद आ रही थी, हालांकि थोड़ी मोटी सी थी, लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने कहा सबको यही वाली पसंद है तो हम यही वाली ले लेते हैं, और अच्छी भी लग रही थी मुझे भी। तो फिर बस इस तरह से हमने यहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी, और उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाता है, यहाँ पर नाश्ता वाश्ता लग चुका है, पहले हमने चाय वगैरह पी ली थी और उसके बाद में फिर ये आ गया था नाश्ता, और यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ते के साथ इस सुबह की शुरुआत करते हैं। और अभी हमने घर वापस जाना था, तो फिर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं अपना नाश्ता पानी और फिर यहाँ से निकलेंगे अपने घर वापस जाने के लिए, क्योंकि फिर घर की भी हो जाता है ना कि फिर पापा जी खाना कहाँ खाएंगे क्या होगा, तो फिर इस तरह से हम वहाँ से निकलते हैं और अपने घर वापस जाने के लिए। तो अभी हमने सोचा कपड़े वगैरह हम लोग लेकर आए थे, लेकिन हमने सोचा कि चलते हैं वापस अपने घर और वहाँ से फिर देखते हैं कहीं और जाना चाहना होगा, क्योंकि इनके जाने का टाइम आ जाता है, धीरे धीरे करीब आ रहा है, और ये हो जाता है ना कि फिर हमारा तो घूमना होगा नहीं, बस मायके से ससुराल और ससुराल से मायका, बस इतनी ज़िंदगी रह जाती है। खैर यहाँ पर फिर हम बैठे थे, बातें शातें चल रही थी और बस ये लोग रोक रहे थे कि खाना खा के जाना, तो उसके बाद में हमने सोचा चलते हैं थोड़ा मार्केट शार्केट घूम लेते हैं, तो हम मामी को लेकर चले जाते हैं उनके साथ मार्केट, और ये हमारा प्यारा सा बच्चा भी हमारे साथ जा रहा है। अब चलते हैं देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें हमें पसंद आती हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ किचन के लिए सामान चाहिए था, तो फिर जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे वो चीज़ हमें पसंद नहीं आई थी, तो फिर यहाँ से निकलते हैं इस वाली शॉप से और चलते हैं नेक्स्ट वाली शॉप पे, हमें जाना था कॉस्मेटिक शॉप पे, तो फिर हम वहाँ चलते हैं और वहाँ से हम देखते हैं हमें क्या पसंद आता है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए अगर वो यहाँ अवेलेबल मिलेंगी तो लाजमी हम यहाँ से परचेज़ करेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ से हम जाते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। खैर यहाँ पर हम लोग बैठे थे, अपनी चीज़ें देख रहे थे कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ कर ली थी, और उसके बाद में ये आ जाते हैं
हैं, इनको भी कुछ चाहिए कुर्ते का कपड़ा वगैरह, तो फिर यहाँ से हम इनके साथ निकलेंगे और जाएंगे नेक्स्ट वाली शॉप पे। तो यहाँ पर मुराद देखे मस्ती कर रहे थे अपना, इनको मज़ा आ रहा था यहाँ पर मार्केट में घूमते हुए। हालांकि फिर हम यहाँ से निकले और आ गए थे इस वाली शॉप पे, ये है हमारे मामा की बेटी की शॉप। और यहाँ से फिर इन्होंने अपना कुर्ते का कपड़ा ख़रीदा, यहाँ पर इनके पास बहुत अच्छे अच्छे से कुर्ते के कलेक्शन मिल जाएंगे कपड़े के। तो फिर इन्होंने यहाँ से परचेज कर लिया था अपना कपड़ा, और ये मामी अपने लिए भी सूट लेने लगी थी। अरे नहीं करो। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस करो, चलो करो करो, करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं मुझे कर दो। अरे यार मुझे कर दो। चलो करो करो, बाय बाय करो, तुम पर्स में जा रहे हो, बाय बाय, चलो अल्लाह हाफिज। तो बस रोशनी के घर अच्छा सा टाइम बिताने के बाद हम लोग निकल लिए थे अपने घर वापस जाने के लिए, क्योंकि मौसम आज भी बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा कि खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था, उसके बाद में वहाँ से हम निकले। और रास्ते में यहाँ पर ये लोग ना पेड़ काट रहे थे, तो हमने तो पहली बार देखा ऐसे पेड़ कटते हुए। हमें लग रहा था पहले कि थोड़ा थोड़ा सा काट लेते होंगे और फिर उसके बाद में थोड़ा बचता होगा तब गिराते होंगे, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव देखा कि ऐसे पूरा पेड़ बिल्कुल नीचे से काटते हैं वो लोग और ऐसे गिरा देते हैं। तो खैर यहाँ पर चलो हमने ये वाला भी ले लिया देख लिया कि कैसे पेड़ काटते हैं, हमने तो पता ही नहीं था कि ऐसे पेड़ काटते हैं। हमें लगता था पहले थोड़ा थोड़ा सा काटते होंगे। खैर यहाँ से फिर इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए और हम पहुँच जाते हैं अपने घर। और यहाँ पर जैसे ही आ जाते हैं अपने इलाके में, यहाँ पर क्रॉसिंग बंद मिलती है। अब हम देखिए इंतज़ार करते हैं यहाँ पर खड़े होकर। अच्छा मुझे ट्रेन निकलते हुए देखते तो अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझे ना जैसे हम अगर ज़्यादा देर देख लें तो मुझे चक्कर सा ही आने लगता है, तो उसकी वजह से फिर हम बहुत सारा टाइम इसको देख नहीं सकते पूरी ट्रेन निकलते हुए। खैर यहाँ पर ट्रेन भी निकल चुकी थी और हम आ चुके थे अपने घर वापस। तो यहाँ पर बस अब अपने नकाब शकाब उतारते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।